एवरीवन, सबको नमस्ते। आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में, पार्ट फाइव। आज हमारा पांचवा दिन है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं सेलुलर न्यूट्रिशन के बारे में। और ये छह दिन का टोटल प्रोग्राम था जिसमें हम लोग ऑलरेडी चार दिन अलग अलग टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपने काफी इससे फायदा लिया होगा। कहीं ना कहीं ये नॉलेज आपको मदद करेगी इस इंडस्ट्री को समझने के लिए, अपनी सेहत को सुधारने में, और साथ ही साथ आप लोगों को मदद कर पाएंगे इस नॉलेज के द्वारा। जो भी पीपीटी आपको मिले हैं और जो वीडियोस आपको रिकॉर्डिंग मिली है उसको जरूर आप सुनिएगा, और फ्यूचर में आपके जो भी नए लोग आपके साथ जुड़ते हैं या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, चाहे वो डॉक्टर नेचर के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, लेकिन आप उनको ये शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिले। और कहीं ना कहीं हमारा जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना नहीं है। हमारा मकसद बड़ा है कि हम लोगों को सेहत के बारे में अवेयर कर पाएं, लोगों को जागरूक करने से हमारे देश का अल्टीमेटली फायदा है। क्योंकि हम भारत देश में जितने लोग हैं, ये लोग तमाम दवाइयों पर निर्भर हैं आज की तारीख में। ज़्यादातर 70% भारतीय अपने जीवन में एलोपैथी मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं, और ये हम लोग बचा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं, 70-80% बीमारियां जो भारत में होती है या दुनिया में भी, इसका मुख्य कारण पोषण की कमी है या खराब चीज़ें हमारे शरीर में जाना, टॉक्सिन्स का जाना, केमिकल का जाना, ये इसकी वजह होती है। और इनको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट रिच या जिस ऐसे वनस्पति पौधे या औषधीय पौधे जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा हो, वो काफ़ी मदद कर सकते हैं हमें आज के दौर की जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, आधुनिक जीवन शैली जनित जो बीमारियां हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर हो, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो, फैटी लीवर हो, या अल्कोहल की वजह से लीवर का ख़राब होना हो, किडनी की बीमारियाँ हो, कैंसर हो, स्किन के प्रॉब्लम हो, इवन इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम हो, महिलाओं के PCODs की प्रॉब्लम हो, या बच्चों की ठीक से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ना हो, याददाश्त कमजोर होना, नींद ठीक से नहीं आना, ये सब एक ऐसी बीमारियां हैं जिनका एलोपैथी दवाइयों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, जिससे किसी भी हालत में इन बीमारियों को ठीक नहीं किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ अच्छे पोषण से शरीर में खराब जो चीज़ें हैं, नुकसान करने वाली, केमिकल्स वाली, उनको शरीर में कम डालें और अच्छी चीज़ों की जो है मात्रा बढ़ाएं, तो हम शरीर को साफ रख सकते हैं, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। ये न्यूट्रिशन हमें काफ़ी मदद करेगा बीमारियों से बचाने में, ना केवल बचाने में बल्कि अगर हम बीमार हो गए हैं तो ही न्यूट्रिशन ही हमें अच्छी सेहत दे सकता है। उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति अगर बीमार है, एक साधारण सा बुखार है या कोई अन्य बीमारी है, तो जनरली आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में लोग मिलने जाते हैं पेशेंट से, जब कोई एडमिट रहता है या किसी के घर जाते हैं बीमार व्यक्ति से मिलने के लिए, तो बहुत सारे लोग फ्रूट्स लेके जाते हैं उसके लिए, मिलने जाते हैं तब, और उसको फ्रूट्स देते हैं। और आजकल हॉस्पिटल्स में भी डाइटिशियन होते हैं जो बीमार व्यक्ति को उसकी बीमारी के अनुसार उसको अच्छा डाइट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मेडिसिन से बंदा ठीक नहीं होगा, अल्टीमेटली अच्छी डाइट खाएगा तभी वो ठीक हो सकता है। ये बात अलग है कि जो लोग फल फ्रूट लेके जाते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, उसको फल फ्रूट दे के आएंगे और बाहर आके समोसा और चाय पियेंगे हॉस्पिटल के बाहर, तो ये जनरली हम लोग करते हैं। तो ये सिर्फ बीमार होने पे हमें अच्छे पोषण की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम बीमार होने से पहले, यानी कि हमेशा अपने जीवन में अगर पोषण का ध्यान रखेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन हम लोग खाएंगे, तो हम लंबी आयु जी सकते हैं और बीमारी मुक्त जीवन जी सकते हैं। हम हमारे अगर प्रतिदिन की अगर डाइट को देखेंगे आप, सुबह से शाम अगर आपने अगर कभी वॉच किया हो कि क्या क्या खा रहे हैं, तो हमारी डाइट में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के मैं नाम लेता हूँ जो जरूर होंगी, कुछ लोग अभी भी ऐसी चीज़ों को खा रहे होंगे, और बहुत सारे कारण हैं इसके। जैसे कि ब्रेड, बहुत सारे लोग जो है ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, भागा दौड़ी भरी जिंदगी कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता, तो बच्चों को सुबह सुबह ब्रेड जो है वो दे देते हैं, जैम लगा के दे देते हैं। जो जैम आप खा रहे हैं उसमें एक्चुअल में कोई फ्रूट नहीं है, बहुत कम है या ना है फ्रूट, उसमें आर्टिफिशियल कलर है, बहुत सारी शुगर है,
कुछ में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, दूसरे प्रकार के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं, आर्टिफिशियल कलर है, बहुत सारे चीजें जो आवश्यक नहीं है बॉडी को वो हम लोग उस ब्रेड के साथ जो जैम पे लगा के खा रहे हैं। इवन जो बटर आप बाजार से लाते हैं, बहुत सारे बटर आजकल आते हैं, बटर में आप अगर उसके लेवल को पढ़ेंगे, इंग्रेडिएंट को, मोबाइल से उसका फोटो खींच के अगर जूम करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें बटर नाम की तो चीज है नहीं है, उसमें बहुत सारे चीजें डली हुई है, जैसे कि साइट्रिक एसिड डले हुए हैं, इमल्सीफाइड डले हुए हैं, पाम ऑयल डला हुआ है। आप लेवल को पढ़ के देखिएगा, जिसको आप बटर कह रहे हैं या चीज कह रहे हैं जो पैक्ड आजकल आते हैं जो लोग ब्रेड पे लगा के खाते हैं, साथ में उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव आते हैं। तो ये चीजें चीज में कहाँ से आ गई? आप घर में जो मक्खन बनाते हैं दूध से दही बना के जो मक्खन है, एक्चुअल में वो मक्खन है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हम लोग खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। अब इस पिज्जा में देखिए क्या क्या पौष्टिक तत्व हैं, दो चार उसमें जो है कुछ बीन्स डाल देंगे, थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा सा कुछ कॉर्न मक्का के कुछ पीस डाल देते हैं और लोग समझते हैं कि वो हेल्दी खा रहे हैं, जबकि उसमें जो चीज का इस्तेमाल किया गया है वो आपके आंखों में जाके जमता है, उसमें जो बारीक मैदा इस्तेमाल किया गया है, फिर सड़ा हुआ जो खाना हम खा रहे हैं, ठीक है महीने में एक बार अगर खाते हैं तो मैं नहीं कहता कि नहीं खाना चाहिए, बल्कि कोशिश तो होनी चाहिए नहीं खाएं, लेकिन फिर अगर महीने में एक दिन खा भी लिया और आप अच्छा पोषण खा रहे हैं पूरे महीने, उसको बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी का ये हिस्सा है, बड़ा उनको पसंद आता है, 500 रुपए का पिज्जा खा लेंगे, लेकिन 500 रुपए के फ्रूट या 500 रुपए का एलोवेरा जूस या 500 रुपए का आंवले का जूस पे खर्चा करने उनको बहुत महंगा लगता है। तो ये हमारी मानसिकता है, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन की कमी से होने वाली बीमारियों का अंदेशा नहीं है कि क्या क्या हो सकता है। तो हम यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से, हम और पूरे देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका क्या क्या नतीजा हो सकता है। बहुत सारे लोग बर्गर का इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हम पी रहे हैं, बहुत सारे जूस हम बाजार से खरीदते हैं उनमें बहुत सारी चीनी होती है, जैसे मैंगो जूस वगैरह आते हैं बाजार में रेडीमेड जो डब्बे में आते हैं, बॉटल में आते हैं, उसमें बहुत सारा चीनी भरा होता है, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, ये हमारे शरीर में जाके बहुत सारे नुकसान करती है। बहुत सारे चीजें हम लोग खाते हैं, चिप्स वगैरह खाते हैं, नमकीन खाते हैं जिसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, नमक भी अत्यधिक मात्रा में खाना हमारे शरीर के अंदर जो है टॉक्सिसिटी को बढ़ाता है। हर प्रकार के भोजन में पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर तो है ही है, हम सब जानते हैं, हमारे डॉक्टर मोइन साहब जो है शायद जूस पी रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो इसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हम बात करेंगे जो आप पी रहे हैं अभी। तो ये सब चीजें जो हम खराब चीजें खा रहे हैं उनको बैलेंस करने के लिए अच्छा पोषण भी हमें जरूरी है। तो हम लोग पेस्टिसाइड को पूर्ण रूप से बंद तो नहीं कर सकते, हमारी देश की सरकार भी चाहे तो पूरा बंद नहीं हो पाएगी, हालांकि कोशिश हमें करना चाहिए और हम कर भी रहे हैं, जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जितने ज्यादा औषधीय पौधे लोग लगा रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे पेस्टिसाइड का जो है खपत हमारे देश में कम होगा। और ये पेस्टिसाइड भी आपने देखा होगा कि ज्यादातर विदेशी कंपनियां हैं, मोनसेंटो है या बायर है या बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि विदेशी कंपनियां हैं, तो जहर भी हम विदेश से खरीद के ला रहे हैं। तो अब ये तो आप समझ लीजिए कि कितनी खतरनाक विडंबना है कि हम जहर खरीदने के लिए भी अरबों खरबों रुपए देते हैं, विदेशी मुद्रा का हमारा भंडार कम हो जाता है, देश को कर्जा लेना पड़ जाता है। उसके अलावा आर्टिफिशियल कलर्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपको जैम का उदाहरण दिया, टोमेटो केचप खा रहे हैं, सॉस खा रहे हैं, इसमें टमाटर नाम की चीज नहीं है टोमेटो केचप में, और बहुत सारे केमिकल का घोल है, तो अल्टीमेटली हम आर्टिफिशियल कलर, मिठाइयां हम लोग तरह तरह की खाते हैं, अलग अलग त्योहारों पे मिठाई की दुकान वाले सजा के रखते हैं, लाल पीली नीली हरी बैंगनी गुलाबी, ये सब आर्टिफिशियल कलर है। तो मिठाई तो वैसे भी नकली मावा और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चीनी से हमें बचना चाहिए, और साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल कलर, एटलीस्ट जो कलर वाली मिठाइयां हैं वो लेने से आप बचें। उसके अलावा जो एलोपैथी मेडिसिन है वो तो प्योरेस्ट शुद्ध रूप है केमिकल का, तो वो तो आप लेने से बचना चाहिए, इसीलिए हमें आज ये सब बातें करनी पड़ रही है कि एंटीऑक्सीडेंट रिच कौन कौन से औषधीय पौधे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप केक खाते हैं, केक पे मुझे ध्यान आया, आज हमारे मित्र राहुल मारवाल जी का बर्थडे है, तो विश यू हैप्पी बर्थडे राहुल जी, और केक थोड़ा कम खाइए, और हमारी डॉक्टर नेचर परिवार की तरफ से, वैसे तो आपके गोडाउन भरा हुआ है आपके पास डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट का, तो कुछ दो चार बोतल आज खोल लीजिए डॉक्टर नेचर वाली और एक्स्ट्रा। उसके अलावा हम
आप पेस्ट्रीज खाते हैं, बच्चों को पेस्ट्रीज बहुत पसंद आती है, आप बेकरी की दुकान में जाते हैं, पेस्ट्री खरीदते हैं, उसमें भी आर्टिफिशियल कलर, बहुत सारी चीनी, बहुत सारे और मैदा और बहुत सारी चीजें नुकसानदायक चीजें हैं। फिर उसके अलावा हम लोग हवा में लगातार प्रदूषण ले रहे हैं, एयर पोल्यूशन से तो सब वाकिफ हैं। कल मैं रांची में था तो ट्रैफिक में हम लोग फंसे हुए थे, भयानक पोल्यूशन का स्तर था, मतलब दम घुट रहा था, इतना ज्यादा पोल्यूशन था। तो ये पोल्यूशन कहीं ना कहीं हमारे फेफड़ों में जा रहा है और तमाम प्रकार की हानिकारक गैसें हमारे शरीर में, हमारे फेफड़ों में जाती है और अल्टीमेटली वो नुकसान करती है। उसके अलावा बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के लाल, पीले, नीले, और महिलाएं तो महिलाएं, आजकल पुरुष भी कम नहीं है, तरह तरह के की क्रीम्स, और उनके लेवल को आप पढ़ेंगे, लेवल पढ़ना जरूरी है, आप सब लोग हेल्थ इंडस्ट्री में जुड़े हैं, तो उनमें बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जो कि नुकसानदायक है। आर्टिफिशियल कलर्स, परफ्यूम्स आते हैं, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस आती है खुशबू के लिए, वो भी नुकसानदायक है। अगर हम देखेंगे डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट, तो हम आर्टिफिशियल चीजों से बचते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें ये खुशबू ऐसी डाल दो, वैसी डाल दो, लेकिन हम नेचुरल एसेंशियल ऑयल बेस्ड जो है फ्रेग्रेंस खुशबू हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका नुकसान ना हो। टूथपेस्ट हम लोग करते हैं, टूथपेस्ट में भी बहुत सारे फ्री रेडिकल्स, मतलब केमिकल्स, ये सारे जो केमिकल मैं बात कर रहा हूँ ये सारे फ्री रेडिकल्स हैं। फ्री रेडिकल को हम आगे समझेंगे, लेकिन बहुत सारे विषैले तत्व हैं फ्री रेडिकल्स के, ऐसा मान लीजिए, जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो हम टूथपेस्ट में भी जो है बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं प्रतिदिन, हम नहीं, मतलब जो डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो लोग बहुत सारे केमिकल लेते हैं। फिर बहुत सारे दवाइयों में, चाहे आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, आप कोई भी आयुर्वेदिक दवाई इस्तेमाल करें तो लेबल जरूर पढ़िएगा, उस लेबल पे लिखा होगा मिथाइल पैराबीन शॉर्ट फॉर्म में MPS या PPS, ये जो है पैराबीन्स नुकसानदायक हैं। कुछ कंपनियां तो इवन बहुत अच्छी चीजें हैं, चाहे जैसे गेहूं के जवारे का रस और आंवले का रस, एलोवेरा का रस, इसमें भी मैं लेवल में देखता हूँ कि कुछ नामी या कुछ और कंपनियां जो कि डायरेक्ट सेलिंग में हैं, उनके लेवल पे लिखा रहता है कि पैराबीन युक्त, पैराबीन्स उस पे लिखे रहते हैं, तो लेवल को जरूर पढ़िए, और उनको भी जो इस तरीके के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उनको भी आप एजुकेट करिए, शिक्षित करिए कि ये चीजें गलत है, ताकि वो भी सुधार करें और धीरे धीरे हमारे देश में अच्छे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों की संख्या बढ़े। उसके अलावा बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स भी आ रहे हैं, कैप्सूल से, टेबलेट से, जिनमें भी पैराबीन इस्तेमाल होता है। कॉस्मेटिक्स में बहुत सारे पैराबीन का इस्तेमाल होता है, साबुन में पैराबीन का इस्तेमाल होता है, ये सब नुकसानदायक है, जो कि हमारे शरीर में खाने के द्वारा और हमारी त्वचा के द्वारा प्रवेश करते रहते हैं, जिससे कि हमें एजिंग, बुढ़ापा जल्दी आता है और बीमार पड़ जाते हैं। पानी हम जो पी रहे हैं ज्यादातर एसिडिक वाटर पी रहे हैं, अम्लीय पानी, तो ये भी टॉक्सिक है, ये भी नुकसान करता है हमारे शरीर को। 80% के आसपास जो है अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए, 20% हमारी बॉडी में जो है एसिड, 20% और 80% अल्कलाइन रहना चाहिए, लेकिन हम सारा दिन एसिडिक वाटर पीते हैं, तो वो भी हमारे शरीर में एक तरीके से टॉक्सिन्स का ही काम करता है। चाय कॉफी जो ज्यादा पीते हैं, बहुत सारी चीनी भी खा जाते हैं उसके साथ में, और जो जिस तरीके से चाय लोग ज्यादा पीते हैं, तो वो आपका कहीं ना कहीं डाइजेशन को खराब करता है, आपकी भूख को मिटाता है, और अल्टीमेटली वो भी नुकसानदायक है। बिस्किट्स हम लोग खा रहे हैं, हर घर में बिस्किट जो है, मैंने कहा मुझे लगता है कि एवरेज एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर में 500 रुपए के बिस्किट आते हैं, बिस्किट या टोस्ट जो है जो चाय के साथ आप खाते हैं, तकरीबन 500 रुपया एक मध्यम वर्गीय परिवार, इवन गरीब परिवार भी 100 रुपए के बिस्किट एक महीने में खा जाता है। उस 100 रुपए का वो जो है कुछ आंवला जूस पी सकता है, कोई फ्रूट खा सकता है। तो आजकल आप देखिए, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट किसानों से लेते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में लेते हैं, सीधा हम लोग उत्पादन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो औषधीय पौधे में, आंवला की ही बात करूं तो आंवला का जो जूस है हमारा, तकरीबन 10 से 15 रुपए प्रतिदिन आपको कॉस्ट आती है। और अगर आप अच्छा फ्रूट भी खरीदने जाएंगे, एप्पल खरीदने जाएंगे, संतरा खरीदने जाएंगे, तो ये भी 100-150-200 रुपए किलो पड़ता है, और उसके साथ बहुत सारा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड भी आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फ्रूट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर आप पैसों की वजह से फ्रूट कम खा रहे हैं, या बहुत सारे लोग एक्सक्यूज देते हैं कि फ्रूट भी हमको जो है महंगा पड़ता है, अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो इंसान भी जो है 10 से 15 ml आंवला जूस पी के अपनी जो है जरूरत, जो विटामिन की, उसको पूर्ति कर सकता है।
तो किसी के पास भी कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि इससे सस्ता मुझे लगता नहीं कि दुनिया में कुछ पोषण मिल सकता है, वो बिस्किट से भी सस्ता है। तो बिस्किट में आप आर्टिफिशियल कलर खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं और पाम ऑयल खा रहे हैं। आप जरूर लेबल को पढ़िएगा कि हर बिस्किट जो भी कंपनी का हो, जो कंपनियां स्वदेशी का प्रचार करती हैं, जो कंपनियां आयुर्वेद की बात करती हैं, उनके आप बिस्किट उठा के देखिए। लोग कहते हैं कि सस्ता बिस्किट आता है जी, अच्छा आता है जी, वो उसमें मैदा नहीं आती जी, उसमें आटा आता है, गेहूं का आता है, चोकर आता है, जो भी आता है उसका लेबल पढ़िएगा, उसमें लिखा होगा पाम ऑयल, राइट। और कुछ तो इतने होशियार हो गए, बहुत ज्यादा ओवर इंटेलिजेंट हैं, वो घी तक लिखते हैं उसके ऊपर। अब घी आप सोच के चलिए कि 5 रुपया, 15 रुपया, 10 रुपए का बिस्किट दे रहा है, वो देसी घी में बिस्किट बना के देगा आपको। वो देसी घी जो है वो भी वो बाजार से खरीद रहे हैं, और आजकल देसी घी के नाम पे भी क्या हो रहा है कि बटर ऑयल इंपोर्ट होता है डेनमार्क से और अदर कंट्री से, जर्सी गाय का, जो कि वो भी नुकसानदायक है, और बटर ऑयल को लाते हैं जो कि 100 रुपया, 80 रुपया लीटर उनको आता है, और उससे वो घी बना लेते हैं और उसको वो 400-500 रुपये घी किलो के हिसाब से घी बेच देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि 50% तो कम से कम कम ही कर दीजिए एमआरपी से, इतना तो आप समझते हैं होता ही है। तो मान के चलिए कि 250 रुपये का 1 किलो घी उनको कैसे पड़ रहा है, जिसमें फैक्ट्री का मार्जिन है, लेबर की सैलरी है, ट्रांसपोर्टेशन है, जीएसटी है। तो ये पाम ऑयल जरूर उसमें इस्तेमाल किया जाता है या बटर ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है। नमकीन है, कुरकुरे है, हर घर में कोई भी आएगा तो मेहमान, तो उसके सामने जो है नमकीन हम लोग रख देते हैं, चाय रख देते हैं। तो पहले चीज तो ये कॉम्बिनेशन ही खराब है, क्योंकि चाय में दूध है और दूध के साथ में आप नमक खा रहे हैं, नमकीन जो खा रहे हैं वो भी बहुत नुकसानदायक है। चर्म रोगों का, स्किन डिजीज का मुख्य कारण है। अजीब अजीब लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही है और फिर लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है दवाई खाने के बावजूद, क्योंकि वो नमकीन खाना नहीं छोड़ रहा, वो नमक खाना नहीं छोड़ रहा, वो पाम ऑयल खाना नहीं छोड़ रहा, सरसों के तेल के नाम पे पाम ऑयल मिला हुआ तेल खा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है एक्चुअल में हमारे शरीर में जाके बहुत सारी चीजें मुसीबत पैदा करते हैं। और मैगी तो मैगी है, मैगी भी लोग खूब खा रहे हैं। तो कुल मिला के हम बहुत सारे केमिकल्स खाते हैं जिनको हम समझते हैं कि ये क्या नुकसान करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या है। एंटीऑक्सीडेंट तो हम समझेंगे, लेकिन फ्री रेडिकल जितनी भी मैंने बात करी अभी तक, जितने भी खाने की जो चीजें हैं जो हमारे शरीर में हम लोग डालते हैं, ये सारे चीजों में जो दूषित तत्व है, जो केमिकल है, जो हमारे कोशिकाओं को नुकसान करते हैं, इनको हम लोग फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। ये फ्री रेडिकल, ये दूषित तत्व, ये प्रदूषित तत्व, ये जहर, ये हमारे शरीर में जाते हैं, और ये तत्व, ये छोटे छोटे अणु होते हैं और हमारी कोशिकाओं में बड़ी स्पीड के साथ घूमते हैं, क्योंकि सिंगल सेल मतलब सिंगल होती हैं, और ये सिंगल सेल वहां जाने के बाद में किसी सेल कोशिका के साथ में मिलकर अपना जोड़ी बनाना चाहती है, तो इस चक्कर में बहुत सारी कोशिकाओं को नुकसान करती हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स पहले तो हमारे भोजन के साथ ज्यादा जा रहे हैं, जो हम भोजन कर रहे हैं आज की तारीख में, और लगभग लगभग फ्री रेडिकल ही खा रहे हैं हम लोग, तो न्यूट्रिशन तो कम खा रहे हैं। अब होता क्या है कि ये फ्री रेडिकल जब ज्यादा खाते हैं, तब हमारा भोजन जब पचता है, इसको मेटाबोलिक प्रोसेस बोलते हैं। इस मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है, पाचन उपापचय क्रिया, तो उसके बाद शरीर क्या करता है कि जो टॉक्सिक आइटम उनको अलग निकाल देता है और अच्छे आइटम न्यूट्रिएंट उनको अलग निकाल देता है। अब ये हम नॉर्मल खाना भी खाएं, बिल्कुल शुद्ध खाना भी खाएं, तो शरीर उसमें से कुछ वेस्टेज को अलग छांट देता है, तो ये फ्री रेडिकल वहां से उत्पन्न होते हैं उपापचय क्रिया से। लेकिन हमारे भोजन में ऑलरेडी फ्री रेडिकल ज्यादा है, हमने खाए ज्यादा है तो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे ही होंगे। और कुछ हमारे वातावरण में होते हैं, जो हम लोग सांस ले रहे हैं या जो भी पानी पी रहे हैं, तमाम तरीके से। और जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, जब हमें टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तब भी हमारी बॉडी फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करती है। तो इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिए, ये अनावश्यक जो मेहमान है जो हमारे शरीर में आ जाता है और जाके अपने कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जैसे हमने बात करी कि हमारा शरीर कोशिकाओं का एक समूह है, बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर हमारा शरीर, हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाती है, तो इसको कम करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए प्रकृति ने, नेचर ने हम कुछ चीजें दी है। वो चीज है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट इज अ मॉलिक्यूल, एक ऐसा अणु है दैट स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकता है। ऑक्सीडेशन क्या है? इट इज अ चेन रिएक्शन इन सेल्स दैट इवेंचुअली लीड्स टू डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के द्वारा
हमारी कोशिकाएं जो है वो क्षतिग्रस्त होती है या मर जाती है। और बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स डेफिनेटली एंड द सेल्स सेल डैमेज हैज अ बैड इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द होल बॉडी। एक कोशिका की एक सेल की जो है क्षतिग्रस्त होना पूरे शरीर को जो है नुकसान दे सकता है। ये हमने जान लिया एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है ऐसे अणु हैं जो कि हमारे कोशिकाओं के अंदर जो है फ्री रेडिकल्स को निकालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से होने वाले रोगों से बचाता है या दूर करता है। एंटीऑक्सीडेंट बढ़ती उम्र के साथ साथ कई सारी समस्याओं को कम कर देता है, जैसे डायबिटीज है, हाई बीपी है, आपका विजन है, आपकी आईसाइट है, आपके हार्ट की जो समस्याएं, इनको ठीक करने में एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में इनका रोल होता है एंटीऑक्सीडेंट का, इसीलिए हम बार बार बात करते हैं कि भोजन में हमारे एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होने चाहिए और फ्री रेडिकल कम होने चाहिए। जब शरीर में भोजन ऊर्जा में बदल रहा होता है तब इस प्रक्रिया से कुछ फ्री रेडिकल्स उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं जैसे हमने पहले बताया, और कुछ जो है पहले से वातावरण में होते हैं। ये फ्री रेडिकल अलग अलग आकार और रासायनिक संगठन के होते हैं जो हमारी कोशिकाओं को नष्ट करके हृदय रोग, कैंसर और दूसरी बीमारियों की आशंका को बढ़ा देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है कि हमारे भोजन में हम जो खाना खा रहे हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट शामिल हो। ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर से फ्री रेडिकल को नष्ट करते हैं और साथ ही इसकी वजह से इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, राइट। तो इसलिए हमारे शरीर से जो नुकसानदेह तत्व है, विषैले तत्व है, उनको आसानी से निकालने के लिए फ्री रेडिकल जरूरी है। ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमारे शरीर की बिल्कुल सफाई करता है, जैसे हम लोग घर की सफाई करते हैं दिवाली को, या डेली हम लोग घर की सफाई करते हैं खाना बनाने के बाद, किचन साफ करते हैं, वॉश बेसिन को साफ करते हैं ताकि वहां गंदगियां ना रहे, पूरी तरीके से फ्लश हो जाए। लेकिन अगर वो गंदगियां रहेगी, आप उदाहरण के तौर पे आपका बाथरूम या आपकी किचन अगर आप डेली क्लीन नहीं करते हैं तो वहां पे स्मेल आने लगती है, वहां पे बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं और वो बीमारी का कारण बनते हैं। सेम चीज हमारे शरीर के लिए अप्लाई होती है। जब हम शरीर की सफाई नहीं कर पाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेते हैं, तो उसका कारण बीमारी होती है। अब हम ढूंढ रहे हैं हार्ट की बीमारी आ गई, इसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इसकी किडनी खराब हो गई, हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। अब सोच के देखिए कि जो आपने पिछली दिवाली को सफाई करी थी और तब से लेके अभी सफाई नहीं करी, या पिछले एक हफ्ता से एक महीने से आपने सफाई नहीं करी, तो डॉक्टर सफाई कैसे करेंगे? क्योंकि अभी हमने बात करी कि एलोपैथी दवाइयों के अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, पैराबीन्स होते हैं, तो ये तो और बढ़ाने वाले हैं समस्या को, राइट। इस समस्या खत्म हो ही नहीं सकती और इस दुष्चक्र में, एक विशेष साइकिल में हम लोग फंस जाते हैं और इस साइकिल में हम लोग इस चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं और अल्टीमेटली वो हमें पहले तो सिर्फ ओपीडी में हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, फिर वो स्पेशल केयर यूनिट में आईसीयू में भी जाना पड़ जाता है, और लास्ट में जो है आप समझते हैं कि परिणाम क्या होता है, लाखों रुपए लूट जाते हैं। तो हमें इम्पोर्टेंट है कि हमारे हम अगर हम चाहते हैं स्वस्थ और तंदुरुस्ती से भरा हुआ जीवन जिसमें रोग और बुढ़ापा ना सताए, शरीर से विषैले तत्वों को हटाकर एंटीऑक्सीडेंट हमारे इसी मिशन को पूरा करने में सहायता करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कैंसर, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, अल्जाइमर, दृष्टिहीनता के खतरे को कम करते हैं और अल्टीमेटली बुढ़ापे के लक्षणों को भी कम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ उदाहरण मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स हैं, ये मैं बार बार पिछले सेशन से भी बात कर रहा हूँ, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे विटामिन सी, विटामिन सी का नाम लेते ही आपको याद आ रहा होगा, विटामिन सी मतलब आंवला, आंवला बहुत ही कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ विटामिन सी है। इसी तरीके से विटामिन ई है, जो हम बात करेंगे आगे और डिटेल में। बीटा कैरोटीन आपकी गाजर में पाया जाता है और बहुत सारे डॉक्टर नेचर जो प्रोडक्ट बनाती हैं उनमें ये सारे विटामिन पाए जाते हैं। जिंक, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट जो है एज रिलेटेड मस्कुलर डीजनरेशन से सुरक्षा देते हैं। ल्यूटीन हमारी आंखों की, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, आंखों की रोशनी बनाने के लिए जरूरी है। सेलिनियम त्वचा, बड़ी आंत और फेफड़ों की सुरक्षा करने में सहायता करता है। इसी तरीके से कोशिकाओं में टॉक्सिन इकट्ठे होने से उनका डी जनरेशन शुरू हो जाता है और ये टॉक्सिन को नष्ट कर कोशिकाओं को मृत होने से भी एंटीऑक्सीडेंट बचाता है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हमने बात करी, ये कहाँ कहाँ से हमको मिल सकते हैं वो भी हम समझेंगे, क्योंकि आज के दौर में भाग दौड़ भरी जो हमारी लाइफस्टाइल है जिसमें हम बहुत बिजी हैं, हमें समय नहीं है, हम लोग टाइम पे सोते नहीं है, टाइम पे खाते नहीं है,
तो ऐसी परिस्थिति में आसानी से हमें कहाँ से एंटीऑक्सीडेंट मिल सकते हैं, और आज के दौर में कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिल जाए तो बहुत आसान है। जैसे कि मैंने बताया, पानी भी एक तरीके का आपको नुकसान कर रहा है, तो हमने डॉक्टर नेचर ने इजाद किया कि अल्कलाइन मिनरल वाटर बना देते हैं, आपने 3-4 बूंद पानी में डाल दीजिए और उसको पी लीजिए, तो आपको जो है कैल्शियम मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा, फास्फोरस मिल जाएगा, जिसके बेनिफिट हमने पहले भी जाने हैं। और साथ में पानी के अंदर ये पीने से डाल के पीने से आपके शरीर में अम्लीयता कम हो जाती है और एल्कलिनिटी बढ़ती है। पोषण तत्वों की कमी और गलत लाइफस्टाइल के चलते लोग उम्र से पहले बूढ़े दिखने लगे हैं, जो तो आजकल कॉमन हो ही गया है। लोगों के ऐसे में बाल सफेद हो रहे हैं। भारत में 16,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है आर्टिफिशियल विग्स का, मतलब जो लोगों के बाल गिर गए हैं कम उम्र में, मतलब 35-30 साल में, 40 साल में, वो लोग अपने आप को जवान दिखाने के लिए विग लगाते हैं, आर्टिफिशियल बाल लगाते हैं, वो भी काफी खर्चा हो जाता है। तो मेरा मानना है कि 16,000 करोड़ रुपया जो हम फेंक देते हैं ये विग लगाने में, हमारे देश के लोग 16,000 करोड़ की अगर एंटीऑक्सीडेंट खा ले तो वो बाल भी उनके गिरेंगे नहीं, ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। साथ ही बाल सफेद होने के अलावा उनको झुर्रियां पड़ जाती है, तो उसके लिए भी बहुत सारे ब्यूटी पार्लर में जाकर के कई सारे कांड करते हैं, तो ये भी हमें अनावश्यक खर्चा करना पड़ता है। इससे छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेद विज्ञान में इस ऐसी गुणकारी औषधियां जो है अवेलेबल है, जिससे हम उम्र को मात दे सकते हैं, यानी कि उम्र को हम बढ़ा सकते हैं और यंग रह सकते हैं। इसके सेवन से एंटीऑक्सीडेंट के इन जड़ी बूटियां जो एंटीऑक्सीडेंट युक्त है, इनके सेवन से त्वचा को चमकदार व निखरा हुआ बनाया रख सकते हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और ग्लूटाथियोन नामक तत्व होते हैं, जो कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोक देते हैं। बहुत सारे महंगे महंगे जो कॉस्मेटिक्स आते हैं, अभी मैंने देखा कि एक कंपनी कुछ क्रीम दे रही है जो कि कहती है कि इसमें ग्लूटाथियोन है, और ग्लूटाथियोन भी जो है नेचुरली प्लांट से मिलता है, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करके उससे कुछ क्रीम्स बनते हैं, डेफिनेटली वो अच्छी है, लेकिन वो बहुत महंगी है। 1500 रुपये, 1800 रुपये की 50 ग्राम जो है ग्लूटाथियोन क्रीम्स आ रही हैं, अच्छे ब्रांड्स की, आप नेट पे देख सकते हैं। तो मेरा कहना है कि ये ग्लूटाथियोन हम लोग इन औषधीय पौधों से अगर बॉडी में ही खाएंगे तो ये हमें बहुत मदद करेगा, बाहर से लगाने से ज्यादा बेहतर होगा कि हम लोग अंदर से लगाएंगे, अंदर से खाएंगे तो आपको बॉडी पूरा एब्जॉर्ब करेगी और बाकी सारे फंक्शन भी अच्छे हो जाए। सबसे पहला जो स्टार्ट करते हैं, जो ऐसा मेडिसिन प्लांट औषधीय पौधा जो बहुत ज्यादा सुपर डुपर रिच है एंटीऑक्सीडेंट में, वीट ग्रास से, गेहूं का ज्वारा, ये जो गेहूं के यंग जो प्लांट्स हैं, छोटे प्लांट है, 7-8 दिन के जो पौधे हैं, उनको हम लोग वीट ग्रास बोलते हैं। वीट ग्रास इज कॉल्ड एज ए ग्रीन ब्लड, इसको हरा खून या ग्रीन ब्लड भी कहते हैं, क्योंकि तो इसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है, जो केमिकल स्ट्रक्चर है, वो इंसान के हीमोग्लोबिन की तरह ही होता है, इसलिए इसको ग्रीन ब्लड कहते हैं। इसको खाने से, इसको पीने से बहुत जल्दी जो है इंसानों में खून बढ़ने लगता है। वीट ग्रास में क्या क्या है? विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, ये सारी चीजें जो है हमारे शरीर को पोषण देने वाली है और रिपेयर करने वाली है, टॉक्सिन को निकालने वाली है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है। तो क्या करेगा ये? डिजीज का प्रिवेंशन करेगा। आप बिना किसी बीमारी के लगातार वीट ग्रास ले सकते हैं 15 से 20 ml प्रतिदिन, तो आपका डिजीज से आप बचाव कर सकते हैं। रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि ऑक्सीडेशन को कम करते हैं, जैसे हमने पहले बात करी, आपकी मेटाबॉलिज्म को जो है उपापचय क्रिया को बढ़ाते हैं, तो खाने को ठीक से पचा पाते हैं। लोग खाने को खा भी रहे हैं लेकिन पचा नहीं पा रहे, वो भी एक समस्या है जिसकी वजह से लोग मोटे हो रहे हैं, वेस्ट जो है फैट वगैरह ज्यादा अकुमुलेट हो रही है, सॉल्ट इकट्ठे हो रहे हैं, और सॉल्ट इकट्ठे हो रहे हैं तो वाटर रिटेंशन की समस्या बढ़ती है, स्पेशली आज के युवाओं में शरीर इनका मोटा और थुलथुला हो रहा है, बिकॉज पानी जो है वो रुक रहा है और शरीर में स्वेलिंग जो है वो जगह जगह आती है बिकॉज ऑफ टॉक्सिन और बहुत सारे सॉल्ट लेने की वजह से, और मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं करने की। अब वीट ग्रास जो है एंटीऑक्सीडेंट का रिसोर्स है, जैसे हमने पहले बात करी थी कि एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं, कुछ के उदाहरण है, विटामिन ए है, विटामिन सी, विटामिन ई इसमें काफी ज्यादा मात्रा में होता है, और ये एंटी इंफ्लामेटरी है, यानी कि स्वेलिंग को कम करता है बॉडी के सेल्स में, कोशिकाओं में, और एंटी इंफ्लामेटरी होने की वजह से ये कैंसर जो है रोग में काफी ज्यादा उपयोगी है। एंटीऑक्सीडेंट जो इसमें है वो कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो है वो
कम करने में मदद करता है। आरबी चेकर्स ये कब होती है इन्फ्लामेशन, जब बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है अनवांटेड चीजों के साथ में लड़ रहा होता है तब इन्फ्लामेशन ज्यादा होती है, यानी कि जब फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ रहा होता है फ्री रेडिकल से, तब हमारे कोशिकाओं में इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। और ऐसी कंडीशन का उदाहरण है कैंसर, जबकि कैंसर में जो है हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता है इसीलिए जो है इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। इसमें वीट ग्रास जो है एज ए एंटीऑक्सीडेंट काफी मददगार है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, सोरियासिस जो है ये सारे ऑटो इम्यून डिजीज है और इसको फाइट करने के लिए वीट ग्रास काफी उपयोगी है। वीट ग्रास और क्या कर सकता है, बहुत सारे इन्फेक्शन को जो है बैक्टीरिया और बहुत सारे फंगस इनकी ग्रोथ को और इनके इन्फेक्शन से हमारे को बचा सकता है और इनको ठीक कर सकता है। स्पेशली जब लोग एंटीबायोटिक्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो कई बार एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, लेकिन वैसी कंडीशन में भी वीट ग्रास लोगों को इन्फेक्शन से बचा सकता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने के बावजूद ये काम करेगा। वीट ग्रास और क्या कर सकता है, पेट दर्द को कम कर सकता है, पेट से संबंधित आपकी आंतों से संबंधित जो बीमारियां हैं तकलीफ है जैसे डायरिया है, कोई भी और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है उसको भी कम करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, रेशा होता है और आज के दौर में आप सबसे कम जो चीज खा रहे हैं वो फाइबर कम खा रहे हैं, क्योंकि सुबह से शाम हम सारे दिन मैदा 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 ही और मैदा ही खा रहे हैं, तो इसलिए जो है फाइबर युक्त भोजन हमको कम मिलता है, तो वीट ग्रास लेने से बहुत सारा फाइबर हमको मिल जाता है जिससे हमारी आंतें स्वस्थ रहती और साफ रहती। उसके अलावा वीट ग्रास अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो समस्या है उसमें भी बहुत लाभ देता है। उसके अलावा रेक्टम जो ब्लीडिंग है इंटेस्टाइन में उसको भी कम करता है। उसके अलावा इंसुलिन लेवल को जो है वो मेंटेन करने में मदद करता है, यानी कि आप पहले से ले रहे हैं तो आपको ये तकलीफें होगी ही नहीं, और ब्लड ग्लूकोज को ये कम करता है, मोटापे को कंट्रोल करने में मदद करता है, क्योंकि हमने बात करी क्योंकि हमारे डाइजेशन को ठीक करता है तो हमारे शरीर में हम ठीक से पचा पाएंगे तो एक्स्ट्रा चर्बी रुकेगी नहीं, उसको ज्यादा तरीके से बेहतर तरीके से यू पचा पाएगा। उसके अलावा ये क्या करेगा, रूमेटॉइड ऑथराइटिस जो है उसमें मदद करेगा, हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। उसके अलावा ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे कि थैलीसीमिया जो है उसमें ये काफी मददगार है। और डॉक्टर एन विगमोर हैं, एक महिला साइंटिस्ट है अमेरिका की, काफी लंबे समय से रिसर्च में हैं और उन्होंने वीट ग्रास थेरेपी जो है उसको इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आज तक थैलीसीमिया के पेशेंट को ट्रीट किया है सक्सेसफुली। साथ में ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, हैवी मेटल्स को शरीर से अपने खून से निकालता है, ताकि हैवी मेटल मतलब जो मेटल्स हैं जो कि पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर से हमको ज्यादातर मिलते हैं और हर खेत में आज किसान जो है कीड़े मारने की दवाइयों में को इस्तेमाल करता है जिससे कि बहुत सारे हैवी मेटल्स में चले जाते हैं और हैवी मेटल बहुत ही खतरनाक फ्री रेडिकल से कोशिकाओं में जाते ही कोशिकाओं को डैमेज करते हैं और डैमेज की वजह से इन्फ्लामेशन आती है और सेल्स की जो है वृद्धि शुरू हो जाती है और बहुत स्पीड से जो है कोशिकाएं बढ़ने लगती है, इरेगुलर ग्रोथ ऑफ द सेल्स लीड्स टू द कैंसर, तो ये कैंसर से बचाने में मददगार बनेगा, इम्यून सिस्टम को बेहतर करेगा, गाउट को जो है वो रिलीफ करने में मदद करेगा, गाउट एक तरीके का आर्थराइटिस है। मोटा मोटा कुछ और बेनिफिट आप वीट ग्रास के स्क्रीन पे देख रहे हैं, एनर्जी को बढ़ाएगा, आप दिन में एक बार वीट ग्रास पीते हैं तो आपकी एनर्जी मेंटेन रहती है, कुछ लोगों में पसीने की बदबू आती है, इवन सॉक्स जो पहनते हैं सॉक्स पहनने से उनको आती है या कुछ लोगों को आम पीट्स पे आती है, तो अगर वीट ग्रास आप पीते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन फूड ज्यादा खाते हैं तो उनमें भी एक स्मेल ज्यादा आती है, तो ऐसे केस में आप जो है वीट ग्रास पीने से आपकी बॉडी का ऑर्डर यानी कि स्मेल जो खराब स्मेल है वो कम हो जाएगी। ओरल हेल्थ जो है दांतों के स्वास्थ्य के लिए मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए भी वीट ग्रास बहुत उपयोगी है, डिटॉक्सिफिकेशन तो करता ही करता है, ब्लड शुगर को कम करता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक करने में मदद करता है, तो गेहूं के द्वारा बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा इसी का मिलता जुलता इसी परिवार का एक और सदस्य है बार्ले ग्रास, यानी कि जो के छोटे पौधे का जो ग्रास है उसको वीट ग्रास की जैसे ही बार्ले ग्रास बोलते हैं, इसके भी लगभग सेम बेनिफिट हैं, ये डायबिटिक पेशेंट को कंपैरेटिवली और ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि बहुत ज्यादा और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइजर भी है ये और डायबिटिक पेशेंट को स्पेशली ज्यादा फायदा करता है, तो वीट ग्रास और बार्ले ग्रास का जो कॉम्बिनेशन है बहुत जबरदस्त
एंटीऑक्सीडेंट बन जाता है, यह आपको यूवी रेडिएशन से भी बचाता है, साथ में आपके डीएनए को रिपेयर करने में मदद करता है, क्योंकि हैवी मेटल्स हमारे कोशिकाओं में जो हमारा डीएनए है उसको जो है वो प्रभावित करते हैं, और ये डीएनए में चेंजेस आने की वजह से बाय बर्थ जो डिफॉर्मिटीज हैं वो भी ज्यादा हो रही हैं, बहुत सारे म्यूटेशनल मतलब अचानक हमारी कोशिकाओं में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे आज की तारीख में जो है वो पैदा होने के साथ ही बीमारी के साथ पैदा हो रहे हैं। तो ये कितना बड़ा काम कर रहा है कि आपको ही नहीं बल्कि जो लोग मैरिड कपल्स हैं उनको जरूर वीट ग्रास का सेवन करना चाहिए। हेल्प्स टू प्रिवेंट कैंसर को बचाएगा, उसके अलावा एसिडिटी को कम करेगा और उम्र के प्रभाव को भी कम करेगा। बार्ले ग्रास में क्या क्या होता है मोटा मोटा आप देख लीजिए। मैग्नीशियम जो है हमें प्रतिदिन जो डेली रिकमेंडेड अलाउंस है उसका जो है 61% हमें एक आम इंसान को मैग्नीशियम दे देता है, डिटॉक्स करता है। विटामिन B6 30% हमारी प्रतिदिन की आवश्यकताओं का पूर्ति करने में सक्षम है। अल्सराइटिव कोलाइटिस के ट्रीटमेंट में अच्छा है। दूध की तुलना में 11 गुना ज्यादा इसमें कैल्शियम पाया जाता है, तो दूध जो है पीना आजकल वैसे भी बहुत सारा दूध अच्छा नहीं मिल रहा हमें, देसी गाय का दूध नहीं मिलता है या शुद्ध नहीं मिलता है, खैर दूध जो भी आप मिल रहा है लेकिन कम से कम व्हीट ग्रास से आपको इतना कैल्शियम तो मिल जाएगा कि आप इसकी पूर्ति कर सकते हैं। 23% पोटेशियम आपको इससे मिल जाता है, 46% प्रोटीन, एक वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन है वो आपको इससे मिलता है, 36% आयरन मिल जाता है, और उसके अलावा तो ये बहुत सारी चीजों में फायदा करता ही, हमने पहले देखा ही। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये व्हीट ग्रास के फायदे रहे। तो डॉक्टर नेचर जो कंपनी है वो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का वर्ल्ड में बोल सकते हैं कि व्हीट ग्रास का जूस बनाती है, साथ ही साथ व्हीट ग्रास के साथ में बार्ले ग्रास भी हमने कॉम्बिनेशन दिया है जो कि भारत में अभी कोई भी कंपनी नहीं कर रही है। जनरली इन दोनों का ब्लेंड और इसको स्टेबल करना आसान तो कार्यक्रम नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि और कंपनियां नहीं कर सकती हैं, लेकिन अभी तक कोई कंपनी ठीक से कर नहीं पाई है, इसीलिए अभी मार्केट में व्हीट ग्रास और बार्ले ग्रास का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर मिलता है वर्ल्ड वाइड। साथ में डॉक्टर नेचर ने व्हीट ग्रास का जो जूस बनाया है बार्ले ग्रास के साथ में उसके में हल्दी से निकला हुआ कुर्कुमिन जो है नैनो कुर्कुमिन वो इस्तेमाल किया है ताकि आपकी इम्यूनिटी और सडन और फास्ट इम्प्रूव हो, आपको ज्यादा से ज्यादा बीमारियों से बचा सके, और गिलोय और तुलसी का इस्तेमाल किया गया जिसके बेनिफिट हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, आप जानते भी होंगे कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में काफी मददगार है। तो इस तरीके से व्हीट बार्ले ग्रास जूस विद कुर्कुमिन एंड तुलसी एंड गिलोय इज वेरी इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट जिसको आपकी बॉडी में 10 से 15 ml, 20 ml आपकी आवश्यकता के अनुसार उम्र के अनुसार आप ले सकते हैं अगर आप कोई बीमार नहीं होना चाहते हैं। फिलहाल पूरा हेल्दी तो मेरे हिसाब में से मुझे मिला के कोई भी शायद नहीं होगा इस दुनिया के अंदर जो कह सके कि पूरा हेल्दी है, क्योंकि हम जिस वातावरण में रहते हैं उससे बचना नामुमकिन है, लेकिन इन चीजों का इस्तेमाल करके हम अपने आप को इन चीजों से केमिकल से बचा के हमारी उम्र को एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। बीमारियों के इलाज में जो खर्चा होने वाला है इसको जरूर प्रिवेंट कर लेंगे। जैसे मैं पर्सनली फील करूं और जैसे डॉक्टर मोइन है, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल काफी लंबे समय से कर रहे हैं, तो ये कंपैरेटिवली बीमार कम पड़ रहे हैं, इनको दवाइयां लेने की आवश्यकता कम पड़ती है, और कैसा भी पैसा तो खर्च हो ही जाएगा, चाहे बाद में बीमार होने के बाद पड़ जाएगा या आप जो है आपके उदाहरण के तौर पर कि आपके जोड़ घिस गए, आपके ज्वाइंट घिस गए, तो 3-4 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। बुढ़ापे में जाके ये पैसा जो हम बचा रहे हैं, वैसे बचा भी नहीं रहे, हम लोग वेस्ट चीजों पे खर्चा कर रहे हैं, तो ये पैसा हमारा जो है एकदम से बहुत ज्यादा लग जाएगा, और कई कई बार हम अपने परिवार के सदस्यों को भी खो देते हैं, तो उसकी कमी और उसका जो रोल था एज ए फाइनेंशियल अर्नर वो भी कहीं ना कहीं जो है परिवार को दिक्कत देता है। तो मेरा इसीलिए आपसे सबसे रिक्वेस्ट रहता है कि आप प्रोडक्ट्स का कंजप्शन पर्सनली जरूर करिए, पैसे कमाने के लिए नहीं, अपनी सेहत को सुधारने के लिए, और सेहत को सुधारते सुधारते आप इतने हेल्दी हो जाएंगे कि लोग आपसे पूछने लगेंगे कि आपका हेल्दी होने का राज क्या है, और यही पैसे कमाने का राज भी बनता है। आगे दूसरा औषधीय पौधा जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बार रिसर्च किया हुआ, सबसे ज्यादा इसके ऊपर स्टडीज हुई है, जिनको हम लोग मेडिकल जर्नल्स बोलते हैं, शोध पत्र बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा एलोवेरा पे अभी तक पब्लिश हुए हैं। PhD जो है वो सबसे ज्यादा किसी औषधीय पौधे पे इस दुनिया में हुई है, तो वो एलोवेरा पे है।
इसको ब्यूटी सीक्रेट ऑफ क्लियोपेट्रा बोलते हैं। इजिप्ट में मिस्र के जो पिरामिड्स हैं उनके अंदर ममीज को जो है प्रिजर्व करने के लिए बहुत लंबे समय से एलोवेरा का इस्तेमाल हो रहा है, और बहुत सारे पुराने जो है ओरस और सिकंदर के टाइम में भी इसको हीलिंग के लिए, इसको युद्ध में जो लोगों को घाव लगते थे उनको भरने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल होता था। महात्मा गांधी जो है उन्होंने सबसे पहले अपना फास्टिंग जो है वो किया साउथ अफ्रीका में, तो वहां उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि उनको सबसे ज्यादा सहयोग जो है एलोवेरा का रहा। तो इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है एलोवेरा की, तमाम देशों में इसके बारे में बहुत सारा लिखा गया है, और आज की जो मॉडर्न साइंस है वो भी इसको वैलिडेट करती है। कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल और फूड इंडस्ट्री में जो है एलोवेरा बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा है, और इसका जो एनुअल मार्केट है वो 13 बिलियन US डॉलर का है ग्लोबली। और इवन अभी तो मार्केट में बाटा कंपनी का मैंने सॉक्स देखा, वो एलोवेरा सॉक्स लेके आए हैं कि आप इसको पहनेंगे तो आपके पैरों में स्मेल नहीं आएगी और एंटीबैक्टीरियल है। वो 450 रुपए का सॉक्स मेरी डॉटर ने परचेज किया, तो मैंने कहा कि मुझे देते एलोवेरा डाल देते, थोड़ा बाल्टी है सारे कपड़े एलोवेरा युक्त हो जाते। एनी हाउ, तो मतलब मार्केट बहुत ज्यादा ये फैंसी आइटम हो गया है एलोवेरा, हर प्रोडक्ट में एलोवेरा डाल दिया तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। हर तीसरा एडवर्टाइजमेंट आप कॉस्मेटिक का देखोगे तो नीम और एलोवेरा जरूर गुणगान गाते हैं। वो खुशबू भी डाल देते हैं तो बोलते हैं कि हमने नीम डाल दिया या एलोवेरा डाल दिया, या हम लोग शुद्ध एलोवेरा यूज कर रहे हैं। एलोवेरा में मोस्ट बेनिफिशियल जो बायो एक्टिव कंपाउंड हैं जैसे कि विटामिन, मिनरल, एमिनो एसिड और बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं। एलोवेरा की जो जेल है उसमें पॉलीफिनोल्स जो है वो होते हैं, ये भी एक तरीके के हेल्दी कंपाउंड्स है पॉलीफिनोल्स, जिनको हम एंटी ऑक्सीडेंट का एक प्रकार है, जो कि तमाम बैक्टीरिया जो है संक्रमण करने वाले उनसे बचाता है। और एलोवेरा की एंटीबैक्टीरियल यानी कि वो कीटाणुओं को, वायरस को मारने में मदद करता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं। बहुत सारे लोग शेविंग के बाद में एलोवेरा जेल लगाते हैं बिकॉज ऑफ एल्कोहलिक जो है आफ्टर शेविंग लोशंस जो है वो आपकी स्किन को ब्लैक कर देते हैं, तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करके शेविंग के बाद में लोग करते हैं। महिलाएं मेकअप उतारने के लिए भी इसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मेकअप से पहले अगर लगा लें तो आपकी स्किन को डैमेज नहीं होगा एलोवेरा जेल से। साथ में ये वुंड, घावों को भरने में इस्तेमाल करती है एलोवेरा का इस्तेमाल होता है। एलोवेरा में बहुत सारे न्यूट्रिशन तो है ही है, साथ में वो डीजनरेटिव डिजीजेस जो है उसको रोकने में मदद करता है, पाचन को बढ़ाने में मदद करता है। हम इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट, एलोवेरा में बहुत सारे चीजों के अलावा विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ना ये कुछ न्यूट्रिएंट हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और ज्यादातर चीजों में आप देख रहे होंगे कि ये मिलते हैं, इसीलिए इनको एंटीऑक्सीडेंट रिच जो है वो जड़ी बूटियां बोला जाता है। एलोवेरा जूस जो है वेट लॉस में भी मदद करता है, क्योंकि आप अगर अनहेल्दी आपकी लाइफस्टाइल है, फूड में आपके जैसे मैंने बात करी कि मैदा वगैरह है, तो आपकी क्या पाचन क्रिया स्लो हो जाती है और डाइजेशन ठीक से नहीं होता, और एक्सक्रीशन जो वेस्ट जो प्रोड्यूस है आपकी आंतों का वो ठीक से निकल नहीं पाता और वो शरीर में जमा होता जाता है गंदगियां, वेस्ट जो है, तो आपका वजन बढ़ने लगता है, राइट। तो जब एलोवेरा आप इस्तेमाल करते हैं तो एलोवेरा में जो फाइबर है और जो इसमें पॉलीफिनोल्स हैं और दूसरे लग्जेटिव इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि डाइजेशन को ठीक करते हैं और आपके शरीर में वाटर रिटेंशन को जो है पानी के रुकने को कम करते हैं, पूरा तरीके से बाहर निकालते हैं। उसके अलावा इसमें बी विटामिन और एंजाइम्स होते हैं जो कि फैट बर्निंग का काम करते हैं। कुछ लोग आपसे पूछेंगे कि वजन कैसे कम करता है भाई, अरे भाई इसमें विटामिन बी होते हैं और एंजाइम्स होते हैं जो कि फैट को खत्म करने में मदद करते हैं। साथ में ये पाचन, आपकी आहार नाल में जो कचरा जमा हुआ है, आपकी इंटेस्टाइन बहुत लंबा पाइप है, इस पाइप में जो कचरा बच जाता है वो वजन बढ़ाएगा। रोज 2 ग्राम भी कचरा रुकेगा तो महीने के अंदर 60 ग्राम तो हो ही जाएगा ना, समझ के देखिए। लेकिन जिस तरीके का हम भोजन खा रहे हैं उस भोजन से तो रोज कम से कम भी 100 ग्राम कचरा रुक रहा है, तो वो कचरे को ये निकालेगा, फिल्टर करेगा और अतिरिक्त पानी को शरीर से निकाल देगा, तो आपका वजन बढ़ेगा नहीं और बढ़ गया तो कम हो जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे एंथ्रोक्विनोन्स हैं, एंथ्रोक्विनोन्स जो है लग्जरेटिव होते हैं। कुछ चीजें आपको अगर नाम ध्यान रहती है तो किसी से आप बात करते हैं तो बता सकते हैं कि भी कौन सा कारण है जिसकी वजह से लग्जरेटिव होता है, पेट को साफ करता है, तो एंथ्रोक्विनोन्स होते हैं।
ये एंथ्रोक्यूनुल्स जो है चिपचिपे श्लेष्मा, मतलब बहुत से जैसे भिंडी से आप वो निकलता है, लार निकलती है, उस तरीके का इसमें तत्व होता है जो कि आपकी आंतों को चिकना कर देता है, इंटेस्टाइन को स्मूथ कर देता है, तो छोटे मोटे घाव उसको भी भर देता है और इसको क्लीन कर देता है, और आप जो एक्स्ट्रा जो है फैट वगैरह खा रहे हैं उसको भी बाहर निकाल देता है। और ये भी बोला जाता है एलोवेरा के लिए स्पेशली, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है, लग्जरेटिव्स है, तो आप खाना खाने से पहले, अगर भोजन से पहले अगर एलोवेरा लेते हैं लगभग 30 से 40 मिनट पहले, तो खाने में जो एक्स्ट्रा फैट है और एक्स्ट्रा सॉल्ट है उसको ये अब्सॉर्ब नहीं होने देगा आपके ब्लड स्ट्रीम में, खून में सीधा आपकी आंतों से बाईपास कर देगा। इसलिए इसको चीटर्स डिलाइट भी बोलते हैं, लोग जो लोग चीटिंग करते हैं, मतलब अपने आप को चीट करते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि एलोवेरा ले ले, तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप चूस चूस के खा रहे हो, वजन भी कम हो जा रहेगा, बढ़ेगा नहीं, और आप खाने का एंजॉय भी कर सकते हो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज्यादा खाओ, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा है जो शादी पार्टियों में जाते हैं और पूरे का पूरा फायदा उठाते हैं, जो वहां जाने का समय और पेट्रोल खर्च हुआ है उसका पूरा वसूल के आते हैं, जितना सामान है सब कुछ खाएंगे। तो उन लोगों के लिए है कि आप थोड़ा सा एलोवेरा 50 ml खा के चले जाइए, तो क्या होगा कि आप खा के भी आ गए और आपका वजन भी नहीं बढ़ा, है ना। सारा का सारा कार्यक्रम जो था आपने जीभ में एंजॉय कर लिया और उसको सीधा बाईपास निकाल दिया जाएगा। उसके अलावा जो आप हाइड्रेशन का काम करता है, यानी कि आपकी नमी जो है वो बनाए रखता है, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, शरीर में आपके पानी होना बहुत जरूरी है, कोशिकाओं में जो जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जो रिएक्शंस होते हैं उनको पूरा करने के लिए पानी जो है अत्यंत आवश्यक है हाइड्रेशन को। एलोवेरा में बहुत सारा वाटर होता है, कंटेंट पानी काफी होता है, और साथ ही साथ आपकी त्वचा के ऊपर जब बाहर से एलोवेरा जेल को आप अप्लाई करते हैं तो हाइड्रेशन का काम करता है, नमी बनाने का, इलास्टिसिटी को बढ़ाने का, सॉफ्ट बनाने का काम करता है। इसके अलावा लीवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। आयुर्वेद में घृत कुमारी के नाम से इसको जाना जाता है, और कुमारी आसव एक दवाई है, आयुर्वेद में एक आसव है जो कि एलोवेरा को फर्मेंट करके बनाया जाता है, और पीलिया या लीवर की जो बीमारियां हैं उनके अंदर आयुर्वेद में प्रत्येक आयुर्वेदिक वैद्य इसको इस्तेमाल करता है, लेकिन एलोवेरा जूस के रूप में और ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इससे फाइटो न्यूट्रिएंट भी, पौष्टिक तत्व भी आपको मिल जाएंगे। एलोवेरा जो है स्किन की हेल्थ को अच्छा करता है, जैसे कि एलोवेरा के बारे में मैंने बात करी, क्योंकि वो आपका हाइड्रेशन भी करता है, न्यूट्रिशन भी देता है, साथ में ये कोलेजन का प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ये प्लांट कोलेजन है बेसिकली इसमें। अगर फिर आप, मैं बात करूं जैसे कोलेजन को भी आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो स्किन के लिए बहुत जरूरी है, और कोलेजन जो है बेसिकली आपको ज्यादातर अमेरिका और सिंगापुर में तो बहुत कॉमन हो गया, लोग बूढ़ा कम हो इसके लिए कोलेजन का इस्तेमाल करते हैं, और एनिमल बेस्ड कोलेजन ज्यादा आते हैं, लेकिन ये प्लांट बेस्ड कोलेजन आपको मिलता है, तो एलोवेरा का लगातार जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी त्वचा जो है वो कंपेरेटिवली कम बुरी दिखती है, रेडनेस की जो स्किन में रेडनेस हो जाना उसको भी कम करता है, और सोरियासिस में भी ये मदद करता है। डाइजेशन को तो डेफिनेटली ये ठीक करता ही है, क्योंकि जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो फायदेमंद बैक्टीरिया, उनकी संख्या को बढ़ाता है, जिनको प्रोबायोटिक्स कहते हैं उनकी संख्या को ये बढ़ा देता है, और खराब बैक्टीरिया को निकालता है, सफाई करता है। इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है, IBS जिसको बोलते हैं, उस समस्या में भी ये फायदा करता है। विटामिन सी इसमें ज्यादा है, तो आपकी शरीर में विटामिन सी के जो काम है उसमें एक काम और, इम्यूनिटी को बढ़ाने के अलावा और बहुत सारे गुण मालूम है, लेकिन एक चीज आप और ध्यान दे लीजिए, ये आयरन जो है उसका शोषण अवशोषण, यानी कि आप जितना आयरन खा रहे हैं वो बॉडी में अब्सॉर्ब बहुत ज्यादा, इसमें भी जो है विटामिन सी मदद करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, और प्री डायबिटिक्स जो लोग हैं उनको भी बहुत लाभकारी है, यानी कि आज तो भारत में प्री डायबिटिक बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए एलोवेरा बहुत फायदेमंद करता है। हम एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं जो कि एक बहुत छुपा हुआ सीक्रेट है, जो कि जनरली बताते नहीं है, हम तो बता देते हैं, बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम जितने भी जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते हैं और प्रोडक्ट करते हैं उनको हम लोग, चाहे उसमें एलोवेरा नहीं भी है किसी आइटम में, लेकिन उस जड़ी बूटी को हम लोग एलोवेरा में भिगो देते हैं ताकि एलोवेरा के प्रॉपर्टीज उसमें आ जाएं, और उस प्रॉपर्टी, या हम लोग जैसे किसी का काढ़ा बनाने होता है तो हम पानी की जगह पे एलोवेरा में काढ़ा बना लेते हैं, तो क्या होता है कि एलोवेरा के गुण भी उसमें आ जाते हैं, पानी की जगह एलोवेरा इस्तेमाल किया तो।
अब एलोवेरा क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, यानी कि बॉडी में जाने के बाद एब्सॉर्ब ज्यादा होता है, कोशिकाओं को खोल देता है। ये कोशिकाओं के जान पहचान का आदमी है, तो कोशिका में जब नोक करता है तो इसकी शक्ल देख के कोशिका खोल देती है अपना गेट, बाकी दूसरे आदमियों के लिए नहीं खुलती है। तो स्किन पे भी जब एलोवेरा लगाते हो तो इसलिए वो फायदा करता है। हमारा इवन हेयर ऑयल जो आता है डॉक्टर नेचर का, उसमें जितने भी जड़ी बूटियां हैं उनको हम लोग बहुत देर तक एलोवेरा के जूस में उबालते हैं और फिर उनको पानी की जगह पे, और उन जड़ी बूटियों का तो गुण मिल ही रहा है लेकिन एलोवेरा का गुण और उसमें बढ़ रहा है, और फिर उसको हम लोग जो काढ़ा बनता है उस काढ़े को फिर हम तेल में उबालते हैं, और जब तक वो पानी उड़ नहीं जाता तब तक उबलता है। इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसके अलावा एंजाइमेटिक एक्टिविटीज जो है इसको करने में मदद करता है। अब यहाँ एक और चीज महत्वपूर्ण, जैसे मैं डॉक्टर नेचर का अल्कलाइन ड्रॉप की जब बात करता हूँ, जिसमें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हम बार बार बोलते हैं कि मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम के बहुत सारे फायदे हैं। अब एक फायदा यहाँ देखिए, एलोवेरा में भी मैग्नीशियम बहुत होता है, व्हीट ग्रास में भी होता है। मैग्नीशियम क्या करता है, 300 प्रकार के एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं हमारे शरीर में, 300 प्रकार के ऐसे कार्य हैं जो कि एंजाइम्स की प्रेजेंस में होते हैं। इसके लिए मैग्नीशियम बहुत जरूरी है, यानी कि मैग्नीशियम का इनडायरेक्टली जो है बहुत सारी चीजों में लाभ है। विदाउट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इन द बॉडी द ह्यूमन बॉडी विल नॉट परफॉर्म इट्स एंजाइमेटिक रिएक्शंस प्रॉपरली। तो ये मैग्नीशियम कितने कामों को प्रभावित कर सकता है, राइट? कंट्रोल्स नर्वस सिस्टम, अगर हम मैग्नीशियम की मात्रा बराबर लेते रहे तो हमारा नर्वस सिस्टम भी ठीक से काम करता है। जो लोगों को नर्वस सिस्टम की, न्यूरो की प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत बड़ा रोल है, और इसलिए जो है एलोवेरा बेनिफिशियल है। एल्कलाइजेस द बॉडी, ये सारा मैं एक्चुअली में इन डेप्थ इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आपसे जब कोई पूछता है या किसी को आप समझाते हैं डिटेल में, अगर जरूरत पड़े कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है, तो आपके पास लॉजिक रहेंगे कि ये वजह से काम करता है, राइट? ये मैंने शुरू में बात करी, ये क्षारीयता एल्कलिनिटी को बढ़ाता है, एसिडिटी और एल्कलिनिटी के बीच में जो है बैलेंस करता है। इफ देयर इज अ इम्बैलेंस, अगर असंतुलन है एसिडिटी और एल्कलिनिटी में, तो हमारे शरीर को बहुत सारे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आइडियली आवर बॉडी शुड बी 80% अल्कलाइन एंड 20% एसिडिक। हमारा शरीर 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक रहना चाहिए, जो कि आज की तारीख में जो कारण मैंने शुरुआत में बात करी उनकी वजह से नहीं रह पाता है। तो एलोवेरा हो या व्हीट ग्रास हो, ये आपके शरीर में जो है अल्कलिनिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। एलोवेरा हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी अल्कलाइन, हेंस मेंटेनिंग द बैलेंस, एंड दैट्स हाउ एलोवेरा वर्क्स टू कीप डिजीज एट बे एंड कीप अस हेल्दी। इस तरीके से एलोवेरा हमको स्वस्थ रखने में मदद करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। और जब एलोवेरा हमारी आंतों से गुजरता है, जब ट्रेवल करता है हमारी आंतों में, तो हमारी जो आंतों की लाइनिंग है, अंदर का जो सरफेस है, उससे सारी की चीज को, गंदगियों को खींचता हुआ ले जाता है। तो डिटॉक्सिफाई और सिस्टम एंड रिमूव टॉक्सिक। एंटीबैक्टीरियल एनाल्जेसिक है, दर्द को भी कम करता है, और इसमें सैलिसिक एसिड है, होता है एलोवेरा के अंदर। देखिए कितनी गजब की चीजें हैं, ये सैलिसिक जो एसिड है ये एक एंटीबैक्टीरियल भी है और एनाल्जेसिक भी है, यानी कि आप जो दर्द की दवाई लेते हैं, गोली लेते हैं, उसकी तरह भी ये काम करता है। चलिए एलोवेरा के बारे में समझ में आ गया होगा, थोड़ा पानी वाली पी लीजिए, ब्रेक ले लीजिए 1 सेकंड का, है ना, 1 मिनट का नहीं, 1 सेकंड का, मैं भी पानी पी लेता हूँ। हमने व्हीट ग्रास के बारे में जाना, एलोवेरा के बारे में जाना, और एलोवेरा किस किस में है, तो डॉक्टर नेचर की बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एलोवेरा है। एलोवेरा आंवला के साथ एक टैबलेट भी आता है, इसके अलावा एलोवेरा जूस आता है, एलोवेरा फ्रूट एंड हर्ब्स आता है, और कई प्रोडक्ट हैं जिनमें एलोवेरा का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बहुत सारे फायदे करता है। इसी तरीके से अश्वगंधा भी डॉक्टर नेचर की बहुत सारे प्रोडक्ट में आप देखेंगे लेवल पे, तो अश्वगंधा होती है, और अश्वगंधा टेबलेट भी हम लोग अलग से बनाते हैं, और वो 100% अश्वगंधा ही है, उसमें हमारे मकराना का, मार्बल का पाउडर नहीं है। अब बहुत सारी कंपनियां जो है वहां आप देखेंगे टैबलेट की, ठीक से लेवल जरूर पढ़िएगा, बहुत मजेदार चीजें आपको देखने को मिलेगी। सामने वाले कंपनियों की धज्जियां उड़ जाती है जब आप लेवल को पढ़ते हैं, वो क्लेम कर रहा होता है ये है वो है, जब आप लेवल को है ना फोटो खींच के जूम करके पढ़ते हैं उसके सामने, तो वो खुद ही डर जाता है कि किस कंपनी के लिए काम कर रहा है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे अनवांटेड जो चीजें हैं आजकल, फार्मास्यूटिकल कंपनियां और इवन आयुर्वेदिक कंपनियां, सभी नहीं लेकिन कुछ लोग जो कर रहे हैं, वो
जो टेल्क जो है पाउडर, जिसको आप कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, टेल्क जो है मकराना के मार्बल का जो पिसा हुआ बारीक पाउडर है उसको वो डालते हैं उसका बेस बनाने के लिए, है ना। तो हम कोई बेस इस्तेमाल नहीं करते, वो गाना है ना बेबी को बेस पसंद है, तो हम कोई बेस हमको कोई पसंद नहीं है, हम तो सीधा सीधा अश्वगंधा ही देते हैं उसमें, और उसकी जड़ों का जो है चूर्ण होता है, पाउडर होता है, एक्सट्रैक्ट होता है। अब अश्वगंधा पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं आज के तारीख में, मेरा जहां तक अनुमान है, जहां पे अश्वगंधा के गुणों के बारे में नहीं मालूम है। लेकिन दुर्भाग्य से हम जिस तरीके से अश्वगंधा को बना रहे हैं, जिस तरीके से कंपनियां कर रही है, वो बड़ी खतरनाक काम कर रही है। अश्वगंधा की रेट अगर मैं बात करूं तो मैं आपको पर्सनली कभी भी दिखा सकता हूं, जो भी मांगना चाहें। बहुत सारी कंपनियां जो सप्लायर हैं अश्वगंधा के पाउडर का, जड़ का, जड़ी बूटी का, हम तो खैर अच्छी क्वालिटी का लेते ही हैं, किसानों से लेते हैं या जो जड़ी बूटियों को संग्रह करने वाले लोग हैं। अश्वगंधा की रेट जो है, जड़ की आप रेट उनसे पूछोगे तो 10 रुपए किलो से लेके ₹10, आप इंटरनेट पे, इंडिया मार्ट पे, गूगल पे सर्च करके और इन सप्लायरों से बात करेंगे तो 10 रुपए की रेट भी देगा आपको, 10 रुपए का 1 किलो अश्वगंधा, और आपको 370 रुपए तक का अश्वगंधा का रेट ये लोग देते हैं। जबकि अच्छी अश्वगंधा 370 में भी नहीं आएगी, एक्चुअल में लगभग 400 से 450 रुपए किलो अश्वगंधा के भाव है। तो ये 10 रुपए से लेकर आप समझ लीजिए कि कौन क्या डाल रहा होगा, कैसी जड़ डाल रहा होगा, कैसी क्वालिटी होगी और कैसे उसके औषधीय महत्व होंगे। अब समझते हैं इसको, भारतीय जिनसेंग, इंडियन जिनसेंग भी कहते हैं, क्योंकि कोरिया में और चाइना में जिनसेंग पैदा होती है, उससे इसके गुण जो है मिलते हैं और उससे कहीं ज्यादा गुणकारी है ये। इसको शीतकालीन चेरी या विंटर चेरी के नाम से भी जाना जाता है। विंटर के सीजन में इसको चेरी की तरह इसका फ्रूट लगता है, छोटा सा लाल कलर का फ्रूट लगता है, इसलिए इसको विंटर चेरी कहते हैं। अश्वगंधा की जड़ों में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स का उपयोग डायबिटीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो ये डायबिटीज के प्रिवेंशन में बात कर रहे हैं, इसमें भी मदद करेगा, एंटी डायबिटिक है और हाइपरग्लाइसेमिक, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक गुण होते हैं कि जो कि ब्लड शुगर लेवल को काफी कम करते हैं। देखिए एक जड़ी बूटी कई बेनिफिट, ऐसे जड़ी बूटियों को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स में शुद्ध रूप में, जो कि कई प्रकार के लाभ आपको देती है। इसके अलावा एक चीज आप देखिए कि अश्वगंधा विकिरण चिकित्सा, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी के साथ मिलकर ऑन्कोलॉजी, यानी कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट करने वाली जो ब्रांच है ऑन्कोलॉजी, वहां पे एक नया आविष्कार किया जा सकता है। ये कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जाना जाता है। ये जो भी पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ये किसी न किसी 2, 4, 10, 15 रिसर्च जो पेपर्स है उनमें से ही मैंने लिया है। ऐसा नहीं कि मैंने मर्जी से, मेरे को है ना कहीं से ईश्वर ने दे दिया ज्ञान और मैंने ज्ञान बांट दिया, ऐसा नहीं है। आप जो भी पॉइंट लिखे हैं, मुझे कोई भी चैलेंज कर सकता है, मैं इसके पूरे एविडेंस आपको डिटेल में दे सकता हूं। नेक्स्ट, एक अलावा इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, ये एंटी इंफ्लामेटरी है, सूजन को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट गुण है, हृदय संबंधी समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद है, ये हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करता है, राइट। ये वैसे सारी मांसपेशियों को मजबूत करता है, अश्वगंधा खाते हैं तो आपकी मसल्स जो है टोन रहती है, लीन रहती है, फिट रहती है, मजबूत रहती है। इसलिए इसको कहते हैं कि 40 की एज के बाद तो अश्वगंधा मैंडेटरी लेना ही चाहिए, राइट। अब आप कहेंगे कि एलोवेरा भी खाएं, हम वीट ग्रास भी खाएं, हम आंवला भी खाएं, हम अश्वगंधा भी खाएं, तो भैया आप रोटी भी खाते हो, सब्जी भी खाते हो, सब्जी में भिंडी भी खाते हो, पनीर भी खाते हो, आप शाही पनीर भी खाते हो, छोले भटूरे भी खाते हो, राजमा भी खाते हो, दाल भी खाते हो, इसी तरीके से ये आपको भिन्न भिन्न प्रकार के पोषण, अलग अलग चीजें आपके शरीर की आवश्यकता, क्योंकि शरीर जो है करोड़ों खरबों कोशिकाओं का बना हुआ है और इसको स्वस्थ रखना है तो सब आइटम करने ही पड़ेंगे, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी, सूजन कम करने का गुण है, जैसे हमने बात करी थी, सूजन कम करने में एलोवेरा भी काम करता है, कैंसर से बचाने में फायदेमंद होता है एंटी इंफ्लामेटरी गुण जो है, और एंटीऑक्सीडेंट जो गुण है यानी कि आपके टॉक्सिन को निकाल रहा है, खून को साफ कर रहा है, तो हृदय संबंधी समस्याओं में भी अच्छा होता है और आपके हार्ट की मसल्स को बड़ा मजबूत कर देता है, बिल्कुल हार्ट अटैक आने का खतरा कम हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अश्वगंधा को एंटी स्ट्रेस ड्रग के नाम से जाना जाता है। इस दुनिया में अश्वगंधा से बेहतर स्ट्रेस को कम करने वाली कोई औषधि बनी ही नहीं है, प्रकृति ने पैदा ही नहीं करी है, तो सबसे जबरदस्त जो है एंटी स्ट्रेस प्रोडक्ट है। लेकिन अब एंटी स्ट्रेस वाली आयुर्वेदिक दवाओं पे, सप्लीमेंट पे अश्वगंधा लिखा तो होता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि 10 रुपए किलो वाला है या 400 रुपए किलो वाला है, इसके लिए
आपको डॉक्टर नेचर पे आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हम पिछले 15-16 साल से अपने आप को हम सिद्ध कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, 20 से ज्यादा देशों के अंदर हमारे को प्रूव किया जा चुका है। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में हैं, ताकि लोगों को एजुकेट कर सके कि यार क्या हो रहा है मार्केट में, जो कंपनियां कचरा बेच रही हैं या खराब बेच रही हैं, तो उनसे हम लोग डिफरेंशिएट कैसे हैं वो बता सके। एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीजों में जो है अश्वगंधा बहुत फायदेमंद होता है। एंजाइटी की एक दवा आती है लोअर जेपम, एलोपैथी वाले ज्यादा जानते हैं, जो कि एंजाइटी कम करती है एलोपैथी में, तो उसकी तुलना में अश्वगंधा एंजाइटी के लक्षणों पर काफी अच्छा प्रभाव डालती है। ये किसी रिसर्च से मैंने लिया हुआ, तो रिसर्च में ऐसा पता चला है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है इसकी। पुरुषों में जो फर्टिलिटी है उसको भी बढ़ाता है, शक्तिवर्धक है, टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने के अलावा स्पर्म की काउंट को और क्वालिटी को भी सुधारता है। गठिया में जो है जोड़ों के दर्द में हमारे डॉक्टर नेचर का एक पीड़ान सिरप आता है, जिसमें कि अश्वगंधा मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल करी गई है, उसके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, और अश्वगंधा के साथ अलग जड़ी बूटियां भी जो सिर्फ जोड़ों के दर्द के लिए इस प्रोडक्ट को स्पेशल बनाती है, लेकिन अश्वगंधा जो टैबलेट है हमारा, इसके अलावा हमारे और भी प्रोडक्ट है उनमें भी अश्वगंधा होता है। दर्द निवारक इसको जाना जाता है, मसल्स की वृद्धि करता है, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये आपकी मसल्स में बढ़ाने में सहायक है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि ये आरबीसी आपकी लाल रक्त कणिका और डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स की काउंट को बढ़ाने में मदद करता है, और अल्टीमेटली ये इस तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि ये हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हाई बीपी को कम करता है, और आपके सीने में छाती में दर्द को कम करता है, और दिल की जितनी बीमारियां सब में फायदेमंद है। एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, इसके अलावा ये बैक्टीरिया, फंगस, इन सब चीजों के संक्रमण के प्रभाव को कम करता है, और रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है आपका, जो श्वसन तंत्र है, उसके स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है। तो आप एक गोली, एक 500 mg आप अश्वगंधा लगातार लेके बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। ब्रेन के फंक्शन में सुधार करता है, आपकी मेमोरी बढ़ती आती है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, और उसके अलावा जो है तंत्रिका तंत्र को जो है जो फ्री रेडिकल्स है इनके नुकसान से भी बचाता है। लिकोरिया में फायदेमंद है, इसके कुछ देसी नुस्खे भी जो है जो आयुर्वेद की किताबों में लिखे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर अश्वगंधा का जो पाउडर है, 2-4 ग्राम अच्छे क्वालिटी का अश्वगंधा पाउडर है, उसको मिश्री के साथ मिला लें, और इसके गाय के दूध के साथ जो है सुबह शाम सेवन करने से, मतलब आप आधा चम्मच लेके ऊपर से गाय का दूध अगर आप पीते हैं देसी गाय का, तो लिकोरिया में जो इसका लाभ मिलता है, ये लगातार आप ले सकते हैं 4-6 महीने। उसके अलावा अश्वगंधा, तिल, उड़द और गुड़ जो है, और इसके साथ ही जो है घी आप मिला के, जैसे लड्डू आप जिसको बोलते हैं, इसको बना लें, और इसको लगातार खाने से भी महिलाओं का स्वास्थ्य जो है, ना केवल लिकोरिया लेकिन बहुत सारी चीजों में फायदा होगा इसका। बहुत सारे महिलाएं परेशान रहती है, तो घर में ही आप इलाज कर सकते हैं। समय से पहले सफेद बाल होने से भी रोकता है, आंखों की ज्योति भी बढ़ाता है। आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए अश्वगंधा, आंवला और मुलेठी तीनों को समान मात्रा में मिला के भी आप खा सकते हैं, बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आंवले के फायदे तो नहीं है, मुलेठी के फायदे नहीं है। गले के रोग जैसे गलकंड में भी जो है ये लाभकारी है, टीबी में बहुत फायदेमंद है, और उसके अलावा इसका एक और चीज लास्ट में जिसे आयुर्वेद कहता है कि 1 वर्ष तक इसका सेवन लगातार करने से हम रोग मुक्त और बलवान हो सकते हैं। राइट, एक दिन में आप बादाम का हलवा खा के दिमाग तेज नहीं हो जाएगा कई लोग, या एक दिन में दूध पी के आप ताकतवर नहीं बन जाएंगे। इसी तरीके से अश्वगंधा लगातार अगर 1 साल या कम से कम आज के कलयुग के हिसाब से 6 महीने भी खा लो यार, लगातार हर साल 6-6 महीने खा लो, तो बहुत फायदा हो सकता है। ठीक है, अश्वगंधा के बारे में हमने जान लिया। डॉक्टर निशित के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अश्वगंधा है, और अश्वगंधा में जो एक्टिव कंपाउंड है उसको विदारीन बोलते हैं, विदानिया सोमनीफेरा इसका बॉटनिकल नेम, जो कि शुरू के पहले स्लाइड में लिखा भी था। तो विदारीन तत्व होता है इसमें, जिससे हल्दी में कुरकुमिन होता है, उसी तरीके से विदारीन इसका मुख्य औषधीय तत्व है। एक और जड़ी बूटी है जिसका नाम आपने कम सुना होगा, निर्गुंडी। अश्वगंधा तो बहुत सुनते आए हैं, बाकी वीट ग्रास, एलोवेरा भी बहुत सुना है आपने, निर्गुंडी जो है वो मैं आज बताने की आपको यहाँ पर प्रयास करता हूँ। इसमें जो है निर्गुंडी, वैसे आपको बता दूं, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लामेटरी जो है गुण होते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं, एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, एंटी कैंसर होते हैं, एंटी माइक्रोबियल जो कीटाणुओं को मारने की क्षमता भी इसमें होती है।
और मुख्य रूप से वात दोषों के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है आयुर्वेद में निर्गुंडी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये क्या करता है, सूजन को कम करता है, एंटी इंफ्लामेटरी है और वात के प्रभाव को कम करता है। इसलिए जो है ये डॉक्टर नेचर का पीडांत सिरप और पीडांत कैप्सूल में निर्गुंडी की जड़ का जो है अर्क एक्सट्रैक्ट हम यूज करते हैं। निर्गुंडी का पत्ते का भी एक्सट्रैक्ट इसमें हम लोग यूज करते हैं क्योंकि निर्गुंडी के पत्ते भी बहुत गुणकारी होते हैं और वात रोगों को कम करने में, शरीर में वात को कम करने में, इसीलिए ऑर्थराइटिस में भी ये बहुत फायदेमंद है। तो गाउट की जो समस्या है, गाउट भी एक तरीके का ऑर्थराइटिस ही है। कुछ लोगों का मैंने कॉल आया था सर गाउट में क्या देना है, तो मैंने कहा पीड़ा नहीं सर वो तो जोड़ों के दर्द में फायदेमंद है। देखिए ऑर्थराइटिस जो है उसको गाउट भी एक प्रकार का ऑर्थराइटिस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिरदर्द की समस्या को भी ये फायदा करता है, मतलब कम करता है। इसके लिए निर्गुंडी की जो पत्तियां हैं वो एनाल्जेसिक जो है गुण वाली होती हैं, जिसको दर्द कम करने में, इसलिए सिरदर्द हो या कोई और दर्द हो उसको भी कम करती है। घरेलू एक उपचार भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, निर्गुंडी का फल भी आता है, जड़ी बूटी की दुकान पे मिल सकता है। 2 से 4 ग्राम चूर्ण को दिन में 2 बार जनरली लेने से भी ठीक है। शहद के साथ अगर लेते हैं, मिला के चाट लेते हैं, तो आपको सिर दर्द में जो है वो कमी आती है। और निर्गुंडी के, जैसे हमारे आदिवासी लोग है ना, पहले ये सब चीजें तो करते थे, कौन सी एलोपैथी की मेडिकल की दुकान थी ना, ये सब जो फॉर्मूले हैं उनको अपना अपना के जंगलों में, अभी मैं झारखंड गया था तो काफी जंगल है वहां पे, तो जो प्रकृति के करीब लोग रहते थे उनको प्रकृति ये सब चीजें दवाइयां देती थी। निर्गुंडी के पत्तों को पीस कर सिर पर लेप करने से भी सिर दर्द शांत होता है। तो आप घर में गमले में आप जो है मनी प्लांट लगाने के बजाय, वो मनी प्लांट से तो पैसे आएंगे नहीं, लेकिन आप निर्गुंडी लगा सकते हैं, तुलसी लगा सकते हैं, गिलोई लगा सकते हैं, तो काम में भी आ जाएगी आपको कभी तकलीफ है तो। उसके अलावा माइग्रेन में भी फायदेमंद है, तो माइग्रेन में जो है इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर आप माथे पर लगाते हैं, तो भी या चटनी बना के आप सिलबट्टे में घिस लीजिए या मिक्सी में पीस लीजिए, उस पेस्ट को सिर पे लगाने से फायदा होता है माइग्रेन में। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, लेकिन मैं जनरल जानकारी भी आपको देता हूँ। सूखे पत्तों का धुआं करने से भी जो है उसको सूखने से भी माइग्रेन कम होता है। और इसके अलावा जो है ताजे पत्तों के रस को हल्का गर्म करके 2-2 बूंद कान में डालने से भी माइग्रेन का दर्द कम होता है। कान बहने की समस्या में भी इसके पत्तों के रस का जो है को आप तेल में पकाकर 2-2 बूंद कान में डालने से भी कान का बहना रुक जाता है। मुंह के छाले वगैरह में भी निर्गुंडी काफी फायदा करता है। लीवर की समस्याओं में निर्गुंडी फायदेमंद होता है। गोनेरिया जिसको सुजाक रोग भी कहते हैं, इसमें भी निर्गुंडी का पत्तों का जो काढ़ा उपयोगी है। तो हमारा जैसे डॉक्टर नेचर का जो पीडांत सिरप है, बेसिकली काढ़ा मतलब एक्सट्रैक्ट जो है और कंसंट्रेटेड वो उसमें होता है, इसलिए सुजाक जो गोनेरिया उसमें भी फायदेमंद होता है। जिस रोगी का पेशाब बंद हो गया हो और 20 ग्राम निर्गुंडी को 400 मिलीलीटर पानी में उबालकर 1/4 रहने तक काढ़ा बना लें और उसको 10 से 20 ml दिन में 3-4 बार पीने से पेशाब से संबंधित जो ये प्रॉब्लम है गोनेरिया वो ठीक हो सकता है। प्रसव को आसान बनाने और मासिक धर्म विकार में भी फायदेमंद है निर्गुंडी। इसका जो है मैंने यहाँ पे देसी फॉर्मूले भी दे रखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। फोड़ों के इलाज में भी जो है लाभकारी है निर्गुंडी, इसमें भी मदद करेगा। हाथ पैरों में जलन में भी फायदेमंद है। स्लिप डिस्क के इलाज में भी निर्गुंडी फायदेमंद है। नाड़ी के दर्द यानी कि नसों का जो दर्द है उसमें भी, क्योंकि वात को कम करता है, जहां भी नसों की समस्या है, दर्द है यानी कि वहां वात पड़ा हुआ है और उस वात को कम करके निर्गुंडी फायदा करती है। तो साइटिका में भी ये फायदेमंद है और मोच वगैरह के इलाज में भी फायदेमंद है। फाइलेरिया हाथी पाँव में भी निर्गुंडी जो है वो उपयोगी है। इसका भी कुछ मैंने एक फॉर्मुलेशन दे रखा है वो आप देख सकते हैं। निर्गुंडी घाव वगैरह के भी जो है उसको भी कम करने में बहुत फायदेमंद है। बच्चों को दांत निकलने की परेशानी में फायदेमंद है। महिलाओं को आपकी प्रजनन क्षमता जो है फर्टिलिटी बढ़ाने में भी जो है ये मददगार होता है। पीसीओडी को भी कम करता है और प्रजनन क्षमता में भी सुधार करता है। बांझपन की समस्या में भी ये मददगार होता है। तो ये निर्गुंडी के फायदेमंद है। मुख्य रूप से हर औषधीय पौधे में कुछ ना कुछ विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इन सबको फाइटो न्यूट्रिएंट यानी कि पेड़ पौधों से मिलने वाले पौष्टिक तत्व तो फाइटो न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं इनको, और एंटीऑक्सीडेंट इनसे मिलते हैं। इस वजह से उनके भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ मिलते हैं। मुख्य लाभ जैसे हर जड़ी बूटी का कुछ ना कुछ होता है, जैसे अश्वगंधा का मेन लाभ है स्ट्रेस को कम करना, तनाव को कम करना, जोड़ों को दर्द को कम करना, मांसपेशियों को मजबूत करना। निर्गुंडी भी जो है वात को कम करती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है और बहुत सारे अन्य लाभ हैं।
तो इसलिए जो पीनान सिरप है उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ही फायदे हैं। सतावरी, इसको महिलाओं का मित्र जड़ी बूटी भी कहा जाता है। वैसे तो ये महिला और पुरुषों दोनों के लिए पोषण जरूरी है, दोनों के लिए फायदेमंद है, लेकिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए सदियों से इसका उपयोग हो रहा है। एस्पेरेगस भी कहते हैं। आजकल बड़े होटल्स में और थोड़े समझदार पैसे वाले लोग, क्योंकि थोड़ा महंगा मिलता है, तो घर में लोग नाश्ते में इसका इस्तेमाल करते हैं, सब्जी बना लेते हैं, फ्रेश खाने में भी अच्छा लगता है। ज्यादातर आजकल 5-star होटल से 7-star होटल में मैं देखता हूँ ब्रेकफास्ट में ये एस्पेरेगस जो है वो रखा रहता है और लोग इसको खाते हैं। बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं वो तो खैर इसको हाथ नहीं लगाते, लेकिन मेरे जैसे आदमी को दिख जाती है तो मैं तो खा लेता हूँ, क्योंकि अच्छा है और होटल में जब फ्री में नाश्ते के साथ मिल रहा है तो क्यों ना खाए। सतावरी में क्या क्या पौष्टिक तत्व, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, डाइट्री फाइबर है, थियामीन है, फोलेट है, नियासिन है, कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें हमारे लिए फायदेमंद है। आयुर्वेद में महिलाओं के लिए जैसे मैंने कहा कि बहुत फायदेमंद है। त्रिदोष नाशक भी है ये, और साथ ही साथ ये वात दोष को भी कम करता है। महिलाओं के लिए सतावरी जो है कई प्रकार से फायदेमंद है, जैसे कि पीरियड्स को रेगुलर करने में बहुत मददगार है और उनकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है, बांझपन की समस्याओं को दूर करता है। गर्भवती महिलाओं में सतावरी का सेवन करने से बच्चा स्वस्थ रहता है। महिलाओं के टोटल जो हेल्थ के लिए भी सतावरी फायदेमंद है। और महिलाएं जो है, और एक देसी फॉर्मूला भी मैंने यहाँ दिया हुआ है जो कि घर में घरेलू फॉर्मूला बोल सकते हैं, गर्भवती महिलाएं सतावरी, सौंठ, अजवाइन, मुलेठी और भंगराज को समान मात्रा में, यानी कि सारे के सारे 100-100 ग्राम या बराबर मात्रा में ले सकते हैं, इसका पाउडर बना लें और 1-2 ग्राम की मात्रा लेकर बकरी के दूध के साथ पीने से लेने से गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वैसे मदर केयर जूस जो डॉक्टर नेचर ने बनाया है उसमें मेजर जो मुख्य घटक है वो सतावरी है, उसका एक्सट्रैक्ट है, और साथ में उस एक्सट्रैक्ट की गुणों को, प्रभावों को बढ़ाने में जो मदद करते हैं और अन्य जड़ी बूटियां, वो भी जीवंती और ये सब चीजें हमने उलेठी वगैरह वो साथ में इस्तेमाल करी है। साथ में जो फीडिंग मदर्स हैं जो कि बच्चों को दूध पिला रही हैं उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने में बहुत फायदेमंद है, और डिलीवरी के समय और प्रेगनेंसी के टाइम में तो मुझे लगता है कि हर महिला को उसका इस्तेमाल करना ही चाहिए, चाहे डॉक्टर नेचर का जूस ले लें या कोई और प्रोडक्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मदर केयर जूस काफी अच्छा है और अल्टीमेटली बहुत सारे फायदे करेगा। कमजोरी को दूर करता है, स्टेमिना को बढ़ाता है और गला बैठने के भी जो है सतावरी फायदेमंद होती है। सूखी खांसी में भी जो है सतावरी उपयोगी है, कुछ फॉर्मूला मैंने यहाँ दिया हुआ है। सांस के रोगों में इफेक्टिव है। बवासीर, पाइल्स के लिए जो है सतावरी, क्योंकि बहुत सारा फाइबर है, आंतों को स्मूथ करता है तो पाइल्स में भी मदद करता है। पेचिस में जो है वो भी ये फायदेमंद होता है। पेट दर्द में भी सतावरी फायदेमंद है, हेडेक में भी फायदेमंद है। कुछ मैंने आपके लिए घरेलू उपाय भी मैंने दिए हैं यहाँ पे, उनको आप कर सकते हैं। आंखों के रोगों में भी जो है इस्तेमाल करता है। रतौंधी में नाइट ब्लाइंडनेस जो है उसमें भी ये फायदा करता है। मूत्र विकारों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, इसके कुछ देसी इलाज मैंने दिए हैं। पथरी के लिए भी सतावरी जो है काफी फायदेमंद है। इंसोम्निया, जो नींद नहीं आने की जिनको समस्या है, यानी कि आप मदर केयर जूस तो ले रही हैं लेकिन आपको बहुत सारे बेनिफिट भी इससे मिल रहे हैं। डिप्रेशन को कम करता है, माइग्रेन का इलाज करने में मदद करता है, पीरियड्स के दौरान जो पेन है या और समस्या उसको भी ये कम करता है, और मेल और फीमेल दोनों के लिए अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। त्वचा की सफाई करने के लिए भी बहुत उपयोगी है। यहाँ पे एक फॉर्मूले को आप देख सकते हैं, सतावरी का पाउडर भी जो है आपके बहुत अच्छे से अच्छे पार्लर पे भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ महंगे जो पार्लर से जहाँ पे 10,000-20,000 से स्किन ट्रीटमेंट जो शुरू होते हैं वहां पे आजकल सतावरी का पाउडर जो है उसको गुलाब जल में या देसी गाय के घी में या शहद में मिलाकर स्किन पे भी लगाया जाता है और इससे मसाज भी करी जाती है, स्किन को क्लेंस करने का काम करता है और दाग धब्बे वगैरह हटाता है और स्किन भी निखार लाता है। हैंगओवर जो लोग थोड़े प्राणी हैं उन लोगों के लिए भी काम का है, हैंगओवर को भी ये कम करता है। गर्भावस्था के दौरान तो मैंने बता ही दिया था ये फायदेमंद है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है इसको लेने से या आपके जनरली प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ जाता है तो वो बीपी को भी कंट्रोल करता है, तो प्रसवकालीन मृत्यु जो भ्रूण की मृत्यु है उसकी भी संभावना को कम कर देता है, और बाकी मानसिक तनाव और सारी चीजों में मेनापोज की जो समस्या है उसको भी करेक्ट करने में, यानी कि उसमें सपोर्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो थैंक यू।
आज के